क्या पढ़ रहे थे कल? लास्ट क्या पढ़ा था आपने? कविता पढ़ा था न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम कल आपने पढ़ा था, और कुछ न्यूक्लियाई के लिए आपने एंगुलर मोमेंटम लिखा था, जैसे फॉर मास नंबर इवन। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। ऐसे न्यूक्लियाई जिनके लिए मास नंबर क्या होता है? इवन होता है, वो कब पॉसिबल है? व्हेन जेड एंड एन दोनों ही क्या हो? इवन हो, तो उस केस में जो है एंगुलर मोमेंटम जे का वैल्यू 0 होता है। या फिर कब हो? जब एन एंड जेड दोनों क्या हो? ऑड हो, तब भी तो क्या होगा? मास नंबर इवन होगा, तो उस केस में जे इक्वल्स टू होता है आपका, इंटीजर वैल्यू होती है, ये बता दिया था। और सेकंड केस था जब मास नंबर आपका क्या हो? ऑड हो। ठीक है, तो मास नंबर ऑड कब पॉसिबल है? जब एन और जेड में कोई एक जो है इवन, या फिर ऐसे लिख लो, एन तो है आपका इवन और जेड हो आपका ऑड, या फिर दूसरा हो सकता है, जेड आपका इवन हो और एन इवन हो, तो उस केस में क्या होगा? जेड जो होता है वो होता है 1/2, 3/2, इस फॉर्म में होगा। ठीक है, हाफ इंटीजर फॉर्म में। तो इसकी जो वैल्यू है किसी भी न्यूक्लियाई के लिए, जो एंगुलर मोमेंटम है, किसी भी न्यूक्लियाई के लिए आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, उसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? उसके लिए दिया गया था शेल मॉडल। शेल मॉडल तो हेडिंग है आपका आज का, शेल मॉडल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, शेल मॉडल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियाई। तो शेल मॉडल क्या है? जैसे देखो, पहले हम इस चीज को इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए आप समझ लो क्या होता है। जैसे न्यूक्लियस है, सराउंडिंग इसके ऑर्बिटल मोशन या स्पिन मोशन करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आपका इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए शेल मॉडल देखते हैं, तो उसमें क्या होता है? फर्स्ट सेल के शेल होता है, पढ़ा है आप लोगों ने, के सेल, एल सेल, एम सेल, ऐसे ही होते हैं। तो के शेल के अंदर कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो आपके सेल क्या होते हैं? फॉर एटम के लिए देख रहे हैं अभी हम, शेल होते हैं आपके के एल एम एंड एन। ठीक है, अब इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आपके? के शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, मैक्सिमम हो सकते हैं, होंगे, ये जरूरी नहीं है किसी एटम के लिए, 2, 8 कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 1s2 लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1s2 होता है। ऐसे ही आप 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या आएगा नेक्स्ट? 1s2, 2s2 एंड 2p6, 2, 2 एंड 6, 8 हो गया ना ये, 1s2, सॉरी इतना आएगा, 2s2, 2p6। फिर यहाँ आता है 3s2, 3p6, 3d10। ठीक है, तो ऐसे ये के एल और एम, ये क्या है? यहाँ पर शेल है। इस सेल के अंदर ये क्या है? एस सब सेल है। के सेल के अंदर कितने सब सेल हैं? एक सेल है, एक सब सेल है 1s। एल सेल के लिए कितने सब सेल हैं? 2s एंड 2p। एम शेल के लिए कितने सब सेल हैं? 3s 3p 3d10। 3d, ये तीन, यहाँ पर तीन सब सेल है, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर एक सब सेल है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि
कि जब किसी एटम के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उस सेल उस कॉन्फ़िगरेशन में वो शेल जो है कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो वो एटम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे के शेल कम्प्लीटली फिल्ड होगा फॉर हीलियम, हीलियम का टू होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे आप, 1s2 होगा, 1s2, इसका मतलब क्या हो गया, के सेल इसमें क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये जो हीलियम है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट है आपका नियॉन, नियॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 10 होता है, इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, तो इसको क्या लिखते हैं, 1s2, 2s2 एंड 2p6। तो इसके अंदर क्या है आपका के और एल सेल, के एंड एल सेल क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। यहाँ पर के एंड एल सेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। इसके बाद आता है हीलियम नियॉन, उसके बाद होता है आपका आर्गन, आर्गन में क्या होता है, के सेल, एल सेल और एम सेल तीनों ही कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। फिर उसके बाद हीलियम नियॉन आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन होता है, उसमें के एल एम एन चारों ही शेल जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। तो ये आप क्या देख रहे हैं, कौन सी गैसेस हो गई, ये नोबल गैसेस हो गई, आप इनको नोबल गैसेस बोलते हो ना, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन। तो ये जो गैसें हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, स्टेबल होते हैं ये एटम्स, नोबल गैस तो इनको नाम दिया गया था। वैसे ये जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर शेल जो है कम्प्लीटली फिल्ड होता है। पढ़ा है हमने ऑक्टेंट कम्प्लीट होता है, तो ऑक्टेंट कम्प्लीट होता है, शेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इसका मतलब ये जो है जब शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में। जैसे यहाँ पर लास्ट 2p6 आ रहा है, इसका मतलब टोटल 2p6 में क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में होंगे, कम्प्लीटली फिल्ड होगा तो पेयर फॉर्म में होंगे, तो पेयर फॉर्म में जब भी होगा तो वहां से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी होगी, ठीक है, और वहां से इजीली वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो इसके लिए क्या बोलते हैं इनको, ये ज्यादा बहुत ज्यादा स्टेबल एटम्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है। ये जो भी चीज़ आपने पढ़ी है वो किसके लिए पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ी है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल और सब शेल में जो है उनको रहते हैं, सेल और सब शेल में ही रहते हैं, और जिनके लिए शेल जो है कम्प्लीटली फिल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो एटम्स, ठीक है। तो और वो एटम्स कौन से हैं, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन के लिए, अब हमें क्या पढ़ना है, हमें तो न्यूक्लियस पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है, न्यूक्लियस पढ़ना है, तो न्यूक्लियस के लिए हमें शेल मॉडल पढ़ना है। अब यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रॉन की बात थी, हमें न्यूक्लियस के लिए शेल मॉडल पढ़ना है, तो उसके लिए कुछ अजम्पशन थे, वो अजम्पशन क्या थे, या फिर आप बोल सकते हैं पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स ऑफ द न्यूक्लियर शेल मॉडल। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट जो था वो ये था, पोस्टुलेट फॉर द न्यूक्लियर शेल मॉडल, इसके लिए फर्स्ट पोस्टुलेट था कि न्यूक्लियॉन्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड सबसेल इन द सिमिलर मैनर एज द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द सबसेल ऑफ द एटम। ठीक है, तो फर्स्ट इसका क्या था पोस्टुलेट, न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियॉन्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस in the nucleus in the closed subshell in the closed subshell in a similar manner
एग्जिस्ट इन सब सेल्स, ठीक है, कि जो जैसे आपने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में होते हैं, सेल्स होते हैं, और सेल के अंदर क्या होता है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ये सब क्या है, और सेल के अंदर KLMN शेल के अंदर ये क्या होती है, सब शेल होती है। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो भी सब सेल के अंदर होते हैं, उन वो भी सब सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। न्यूक्लियॉन्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस इन द क्लोज्ड सब सेल इन सिमिलर in a as a similar manner as electron exist in subcell. Second kya tha iska, each nucleon moves independently inside the nucleus in a fixed orbit. Each nucleon moves independently each nucleon moves independently inside the nucleus in a fixed orbit ठीक है। थर्ड था इसका, For explaining the properties of the nuclei, it may be thought that nucleons occupy in various discrete energy levels or cells. The method of filling the nucleons in these cell or subcell is according to the Pauli exclusion principle. Third tha, the method of filling the nucleons in cells is according to the Pauli exclusion principle. ठीक है, each nucleon have their intrinsic spin angular momentum and orbital angular momentum. Each nucleon have intrinsic spin and orbital angular momentum. ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि क्या था पोस्टुलेट, क्या था कि न्यूक्लियॉन्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस इन द क्लोज्ड सब सेल एज सिमिलर इन सिमिलर मैनर एज इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन सब सेल। जैसे इलेक्ट्रॉन आपके सब सेल के अंदर होते हैं, ये किसने भेजी है, इलेक्ट्रॉन आपके सब सेल के अंदर होते हैं, वैसे ही जो न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर सब सेल में होते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट था ईच न्यूक्लियॉन मूव्स इंडिपेंडेंटली इन साइड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट के अंदर, ऐसे ही न्यूक्लियॉन्स होते हैं। थर्ड था मेथड ऑफ फिलिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द सब सेल इज अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब इलेक्ट्रॉन्स को आप उसमें सब सेल में रखते हैं, तो वहां पर आप कई सारे लॉ पढ़े थे आपने, आप वाउ प्रिंसिपल, ठीक है, और जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी था, तीन थे लॉ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सब सेल की। वो आपने केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, उसका यहाँ कोई मतलब नहीं है, पर आप न्यूक्लियस के लिए पढ़ो। न्यूक्लियस के लिए जो न्यूक्लियॉन्स को आप सब सेल में रखेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, फोर्थ है आपका ईच न्यूक्लियॉन्स हैव इंट्रिंसिक स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको बताए थे एस एन एल, ये मैं रफ कर देती हूँ। तो आपका स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या थे, एल एंड एस। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फिफ्थ। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम आपको क्या बताया था,
एक न्यूक्लियाई का टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ वन न्यूक्लियॉन, ऐसे पढ़ लो, ऑफ वन न्यूक्लियॉन जे से रिप्रेजेंट किया था, जे इक्वल्स टू क्या था आपका एल प्लस एस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब स्पिन की वैल्यू कितनी हो सकती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो जे का वैल्यू यहां से क्या होगा, एल प्लस एस एंड एल माइनस एस, क्योंकि स्पिन की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, तो जे को आप लिख सकते हैं एल प्लस एस एल माइनस एस। एल प्लस एस कब होगा, व्हेन या इफ एल वेक्टर इज पैरेलल टू एस, जब स्पिन एंगुलर मोमेंटम उस न्यूक्लियॉन का एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पैरेलल होंगे, तो उस केस में क्या होगा, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो होगा एल प्लस एस, और एल माइनस एस कब होगा, जब एल व्हेन इफ एल वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू, व्हेन एल इज एंटी पैरेलल टू एस। ठीक है, ये दो चीजें हो गई, आप इसको बोलते हैं आप एल, वो बोलते हैं इसको स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, इसको जो बोलते हैं आप स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन भी बोलते हैं, ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी लेवल्स होंगे, शेल्स या सबसेल जिनको बोल रहे हैं, एनर्जी लेवल्स होंगे, तो ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ईच लेवल इन द न्यूक्लियस स्प्लिट इन टू टू लेवल्स, वन है जे इक्वल्स टू एल प्लस एस एंड सेकेंड है जे इक्वल्स टू एल माइनस एस। एल प्लस एस वैन एल इज पैरेलल टू एस, एंड एल माइनस एस वैन एल इज एंटी पैरेलल टू एस। ठीक है, इसके बाद लास्ट है स्टेट ऑफ ईच न्यूक्लियॉन इज रिप्रेजेंटेड बाई किसी भी न्यूक्लियस की जो आप स्टेट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर है, यहाँ सफिक्स में आएगा आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये आपकी स्टेट हो गई, और यहाँ पर आएगा आपका 2j प्लस 1। स्टेट ऑफ ईच न्यूक्लियॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एन एल सफिक्स में j और ऊपर यहाँ पर 2j प्लस 1। ठीक है, यानी कि एक लेवल में कितने मैक्सिमम न्यूक्लियॉन आ सकते हैं 2j प्लस 1, वो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कैसे। एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, जैसे आप इलेक्ट्रॉन की स्टेट कैसे लिखते हो, जैसे दो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्टेट क्या होती है, इसको ऐसे लिखते हो ना 1s2। ठीक है, s ऑर्बिटल है, यहाँ पर n क्या होता है, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और s क्या है, यहाँ पर l इक्वल्स टू जीरो को रिप्रेजेंट करता है, और s सबसेल के लिए क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर l इक्वल्स टू जीरो होता है, और यहाँ पर क्या है, ये टू क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस 1s सबसेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये सबसेल होता है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, और दोनों का ही जो स्पिन का डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है। तो इस तरीके से आप जैसे इलेक्ट्रॉन की स्टेट को लिखते हैं ना, ऐसे न्यूक्लियस की स्टेट को हम ऐसे लिखते हैं एन एल जे टू द पावर 2j प्लस 1। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है एन इक्वल्स टू 1 है और L इक्वल्स टू है आपका 1 ही मान लो, तो L इक्वल्स टू 1 किसके लिए होता है, P सबसेल के लिए होता है ना, P सबसेल, ये तो आप एक जगह लिख ही लो, आपको पता भी होगा शायद, L इक्वल्स टू 0 1 2 3, तो ये होता है आपका S सबसेल के लिए,
वन होता है फॉर पी सब सेल, टू होता है फॉर डी सब सेल, थ्री होता है फॉर एफ सब सेल। ठीक है, जैसे ये तो सेम बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ा है, तो जैसे आप ये हो गया आपका n इक्वल टू वन और l इक्वल टू वन, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, वन पी स्टेट लिख सकते हैं ना। यहाँ पर n तो हो गया वन और l भी कितना हो गया आपका वन, और p इक्वल टू सॉरी l इक्वल टू वन किसके लिए होता है, फॉर p सब सेल। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, j निकालना है। j क्या होता है, j इक्वल टू क्या होता है, अभी बताया था स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, j इक्वल टू क्या होता है, l प्लस माइनस s होता है। ठीक है, अब यहाँ पर l इक्वल टू कितना है आपका, वन है। ठीक है, l इक्वल टू है आपका वन प्लस माइनस, स्पिन कैसा हो सकता है, एक ही न्यूक्लियॉन है तो उसका स्पिन आपका या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, तो वन प्लस माइनस हाफ आ जाएगा। तो यहाँ से j इक्वल टू क्या आएगा आपका, वन प्लस हाफ करेंगे तो थ्री बाई टू आ सकता है, एंड वन माइनस हाफ करेंगे तो हाफ आ जाएगा। तो जो j की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है आपकी, l माइनस एस टू एल प्लस एस। ठीक है, तो दो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, थ्री बाई टू एंड वन बाई टू। तो स्टेट क्या होगी, अब देखो स्टेट क्या होगी, n l j। तो आपका n हो गया वन, l हो गया आपका वन है तो उसके लिए p सब सेल आ गया। j का वैल्यू आपके लिए दो है, एक तो वन बाई टू है और एक थ्री बाई टू है, तो आपकी एक स्टेट तो हो गई आपकी वन बाई टू, और दूसरी स्टेट क्या हो जाएगी इसी की, थ्री बाई टू। ठीक है, j की दोनों वैल्यू है तो आप दो अलग अलग स्टेट लिख सकते हैं। अब 1p 1 by 2 एंड 1p 3 by 2 में मैक्सिमम न्यूक्लियॉन कितने आएंगे, इन दोनों ही सब सेल में मैक्सिमम न्यूक्लियॉन कितने आ सकते हैं, 2j plus 1, मैक्सिमम न्यूक्लियॉन हो सकते हैं 2j plus 1। तो j का वैल्यू हाफ है, यहां से 2j plus 1 कितना आएगा, 2j plus 1 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 ही आएगा। और जब j equals to आपका 3 by 2 है तो 2j plus 1 करने पर कितना आएगा, और आएगा। इसका मतलब 1p 1 by 2 जो सबसेल होगा उसमें मैक्सिमम न्यूक्लियॉन कितने आ सकते हैं आपके, 2। और 1p 3 by 2 जो सबसेल होगा आपका उसमें अंदर मैक्सिमम न्यूक्लियॉन कितने आ सकते हैं, 4। ठीक है, जैसे आप ये पढ़ते हैं कि 1s2 इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ते हैं ना, 2s2 2p6, तो p के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप 6 आ सकते हैं, 3 ऑर्बिट होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर s के अंदर एक ही होता है और इसके अंदर दो मैक्सिमम आ सकते हैं। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ते हैं वैसे ही न्यूक्लियर की स्टेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं n l j से, जिस स्टेट के अंदर मैक्सिमम न्यूक्लियॉन कितने हो सकते हैं, 2j plus 1। तो उसके लिए पहले आपको j पता होना चाहिए, j पता होने के लिए आपको l पता होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अब ये बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं, या फिर मुझे रिपीट करनी है, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट जो मैं पढ़ाऊंगी वो आएगा, नहीं तो आप ऑफ कर दो भले ही। तो रिपीट करना हो तो मुझे बता दो। तो आपका फोर्थ अजम्पशन लिख लो यहां पर, सॉरी सेवंथ जो था, कि ईच सबसेल ऑफ न्यूक्लियॉन, दिखाई दे रहा है, इस सबसेल ऑफ न्यूक्लियॉन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2j प्लस 1 न्यूक्लियॉन, इच सबसेल ऑफ न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस, इच सबसेल ऑफ न्यूक्लियॉन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2j प्लस 1 न्यूक्लियॉन। ईच सबसेल ऑक्यूपाई, हाँ इतना ही लिख दूंगा, ईच सबसेल ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2j प्लस 1 न्यूक्लियॉन। कुछ तो बोलो, रिपीट करना है या नहीं, या फिर वीडियो चला के सो गए सबके सब, सो गए हैं सब। ठीक है, तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो जो जग रहे।
ठीक है ओके ओके क्या सर? अच्छा चलो रिज्वाइन कर लो एक बार, चले जाएंगे सारे।